अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, ये मैं आपके सामने ये पूरे ये लौकी का सालन बना रही हूँ जो भुना हुआ होता है। रोटी के साथ भी खाते हैं अक्सर लोग, चावल सादे चावल के साथ बना के भी खाते हैं, ये वो बना रही हूँ मैं। अब इसमें पहले मैं तेल डाल दूँ, तेल डाल लेंगे ये मैं। तेल गरम हो रहा है, इतनी देर में मैं ये प्याज काट रही हूँ। और क्या अभी आपका क्या हाल है? आप सब खैरियत से होंगे, हमें भी दुआओं में याद रखें और हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए भी दुआ करें, खान के लिए भी दुआ करें, हम सब के लिए दुआ करें। ये देखिए प्याज काट रही हूँ भगा के लिए, ये लाल करेंगे थोड़ी प्याज को, लाल हो जाएगी ना फिर उसके बाद मसाले डालेंगे। ये मसाले डालेंगे इसके बाद, थोड़ी लाल हो रही है प्याज। यहाँ टमाटर, एक टमाटर लिया हुआ, ये देखेंगे टमाटर लिया हुआ, चाहे तो पूरा डाल दें चाहे तो आधा डाल दें, मेरा बड़ा टमाटर है शायद मैं आधा ही डालूँ, बड़ा वाला टमाटर ठीक है ना, ये देखिए और डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये मिर्चें हरी, ये देखें तो ये काट रही हूँ, यहाँ टमाटर भी 50 रुपये किलो मिल रहा है, 50 रुपये किलो है। और आलू, आलू पता नहीं खाना कल परसों बिक रहा था, 70-80 रुपये किलो दिया है आलू मुझे, हाँ याद आया 80 रुपये किलो, 80 रुपये को। ये लाल वाला आलू है, कह रहे लाल आलू है मीठा नहीं निकलेगा, लाल लो पीला लो कोई भी लो, मीठे सारे ही निकल आते हैं, जो सही निकलने होते हैं निकल जाते हैं। भाई सही वो आलू निकलते हैं जो वाकई में सही हों, क्योंकि यहाँ तो दो तरह के आलू आ रहे हैं, एक तो मीठा आ रहा है सही है ना, मीठा नमकीन आ रहा है, नमकीन आ रहा है, तो ये है ना भाई सब्जी वाले जो लेकर आते हैं ना मंडी से सामान, वो दो तरह के लेते हैं, दो तरह के सामान लेते हैं, मीठा मिक्स करके ये लोग नमकीन और मीठा मिला के मिक्स बेचते हैं और उसी को बढ़ा चढ़ा के पैसे उसके लेते हैं। अब हम तो मजबूर हैं ना, हमारी मंडियां तो जा नहीं सकते, सही है ना, यहीं से लेते हैं भाई सब्जी। ये देखिए लहसुन अदरक डाल दिया, थोड़ा जीरा डाल दीजिएगा, आज छुट्टी दी ना, थकी हुई होती है मैं भी थोड़ा सा, देर से उठती हूँ छुट्टी वाले दिन, तकरीबन 9-9:30 बजे उठती हूँ आज मैं, हफ्ता है ना बच्चों की छुट्टी भी होती है, आज जो पेपर पे ख़त्म हुए हैं तो एक आध छुट्टियाँ बच्चे मान लेते हैं, तो इस तरह हमारी भी हो जाती है छुट्टी, सही है ना। और आमों के रेट, आम भी इतने महंगे कर दिए हैं, और आम का अच्छा माल जो है ना वो वहाँ निकाल देते हैं ये लोग, आम जो है ना बहुत अच्छा वाला जो होता है ना वो वहाँ निकाल देते हैं ये लोग, बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है आम को जिस हालत में ये लोग रख रहे हैं वो तो पता ही है आपको, बताने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, सही है ना। बस ये डाल दिए मसाला मैंने, धनिया पीसी, मिर्चें पीसी, कुटी मिर्चें, हल्दी, ये सब डाल दिए मैंने। अब इसको भूनूंगी, थोड़ा मसाला ना लगे इसलिए पानी डाल दूँगी, ये देखिए थोड़ा
पानी डाल दिया, मसाला ना लगे तो उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया। वो तरह की यहाँ जाहिर है, जब हुकूम वो कहते हैं ना, जैसी आवाम वैसी हुक्मरान, यहाँ भी वही वाला हिसाब है। और आवाम ही देख लो ना, सब्जी वाले हो या कोई भी हो, और तो डबल पैसे लगा के और बेच देंगे लोग ला के हर चीज़ को, कोई भी हो, परचून वाला हो, कोई भी हो, इतना पैसे लगा के इतना महंगा सामान बेचते हैं। ये देखिए टमाटर और प्याज कटी हुई थी ना, ये मैंने डाल दिया, भून लूँगी थोड़ा सा, भून के फिर वो तुरई तुरई डाल के, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये मसाला भूलेगा इसलिए डाल दो, ज़रूरत नहीं। ये देखिए मैंने तुरई और लौकी काटी है, इसमें मिक्स है, अच्छी बनती है, मिक्स करके बनाओ अच्छी बनती है। पड़ी होती है ना कभी कभी सब्जी, तो वो साथ में मिक्स कर लेते हैं, चाहे तो आप आलू भी डाल सकते हैं इसमें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। मसाला भूल जाएगा ना तो मैं ये डाल दूंगी आपको, ये थोड़ी दिखाई दे ना, ये डालें, पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में पकेगी। अगर डालना तो थोड़ा सा आधा कप डाल दें, वैसे पानी इसका अपना भी निकलता है। ये नमक डाल देंगे, ये नमक अपने हिसाब से डाल लें, भी जो चीज़ें डालनी है आपको अपने हिसाब से डाल दें। थोड़ा सा है पानी डाल देंगे ज़रा, मैं थोड़ा सा बस, ताकि मसाला वसाला जो है ना वो लगे नहीं नीचे की तरफ, जो बनाएगा ना मसाला वो ना लगे। चले ये हो जाएगा अभी थोड़ी देर में सारा, रोटी चावल हर चीज़ चलती है इसके साथ, सही है ना। सब्जी वगैरह ना बहुत मज़े की बनती हैं वैसे भी, ये तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। अनाड़ी भी बना सकते हैं, ऐसी सब्जियां होती हैं। चले प्यारे व्यूअर्स, अब हमें दुआओं में याद रखें, हमारे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिए कि तबीयत भी सही नहीं चल रही, ज़रा हम लोगों की भी नज़ला खांसी बुखार चल रहा है, तो हम लोग भी दुआ, हम लोग के लिए भी दुआ कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोग भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।